हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 20 मार्च 2018 की प्रीलिम्स अपडेटेड सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू और पीआईबी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आर्टिकल है वो आ जाए है, वो देखते हैं किसके बारे में। सबसे पहला आर्टिकल है वो है नबाकल फेस्टिवल के बारे में। तो देखते हैं क्या है नबाकल फेस्टिवल। देखो, इसमें आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। कंटेक्स्ट पहले मैं आपको बता देता हूँ। कंटेक्स्ट ये है कि नबाकल फेस्टिवल है वो मनाया गया उसी मौके पर, स्मारक सिक्के हैं वो जारी किए गए 10 और 1000 के। तो ये चीज़ आपको कंटेक्स्ट ध्यान रखनी। यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकती है कि रिसेंटली 10 और 1000 के जो सिक्के हैं कोइन है वो जारी किए गए, स्मारक सिक्के किसके उपलक्ष्य में। तो आपको ध्यान रखना है कि भाई नबाकल फेस्टिवल है जो उसके उपलक्ष्य में इसे आयोजित किया गया है। अब देखो, हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि नबाकल फेस्टिवल किससे रिलेटेड है। तो यह जो लॉर्ड जगन्नाथ है उनसे रिलेटेड है। तो आपको लॉर्ड जगन्नाथ को देखते एक चीज तो आ गई होगी समझ में कि भाई ये इनका टेंपल वो ऑब्वियसली उड़ीसा में होगा, क्योंकि आपको पता है कि जगन्नाथ है पूरी वो उड़ीसा में है। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, पहली चीज तो एक आती है। इसके बाद में देखो है क्या क्या कंटेक्स्ट है इसका और भी जो मतलब सीन क्या है पूरा देखते हैं। नबाकल जो फेस्टिवल होता है यह तब आयोजित करा जाता है जब भगवान जगन्नाथ, बालभद्रा और इसके साथ सुभद्रा और जो सुदर्शन है, इन चारों की मूर्तियां बनाई जाती हैं और उन हर मूर्तियों को क्या है एक एक जगह लाया जाता है। तो उस मौके पे नबाकल जो फेस्टिवल है वो मनाया जाता है और यह होता है हर 12 से 19 साल के बीच में इस तरीके का कार्यक्रम है वह आयोजित होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब देखो, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वो ये है कि जो भगवान जगन्नाथ हैं और जो बालभद्र हैं और सुभद्रा हैं और जो सुदर्शन की जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो इसमें पत्थर की नहीं होती हैं, वो होती हैं नीम की लकड़ी से बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं, जिसे मैली दरु ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। मना कहा गया है वो मना गया है उड़ीसा में। तो ये कुछ बेसिक न्यूज़ थी जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, जो यूपीएससी एग्जाम वगैरह में पूछ सकती है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, तो इससे भी हम देख लेते हैं क्या है इसमें। देखो, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सबसे अच्छा वही आता है कि भाई इसे आयोजित किया गया वो करवाया गया राष्ट्रपति भवन के द्वारा। तो ये चीज़ आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन के द्वारा कुछ लिमिटेड प्रोग्राम या लिमिटेड स्कीम वगैरह कोई फेस्टिवल वगैरह ही आयोजित है वो करवाए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइज बाय राष्ट्रपति भवन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इसी के साथ इंडिया नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन है इंडिया का, उसके द्वारा इसे होस्ट है या ऑर्गेनाइज है वो किया गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। यूपीएससी पूछ सकती है कि भाई नीति आयोग ने इसे स्टार्ट किया, नहीं नीति आयोग का इसमें कोई लेना नहीं है दूर दूर तक। अब इसमें होगा क्या, जो फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें देखो एक चीज़ तो आपको नाम से भी समझ में आ रही है, आज तक हम इतनी डिस्कस है वो कर चुके हैं। इनोवेशन मतलब कोई भी नवाचार है, कोई भी नई आइडियाज़ हैं, नई इनोवेशन उसको प्रमोट करने के लिए ऑब्वियसली। तो मतलब है क्या इसमें, इसमें जो भी नए नवाचार होते हैं, नवाचार का जो पोटेंशियल होता है, मतलब इनोवेशन का जो पोटेंशियल होता है लोगों में, उस पोटेंशियल को ग्रास रूट लेवल से निकालते हुए आगे लेके जाना है। मतलब सीधी सीधी बात बोलूँ आपको तो वही है कि इनोवेशन को प्रमोट करना है, नई रिसर्च वगैरह हो सके। और जो लोग या जो स्टेक होल्डर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कोई फर्म भी हो सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, तो उनको रिस्पेक्ट वगैरह दी जाएगी। इसके साथ ही उनको शोकेस वगैरह या उनको रिवार्ड वगैरह देखिए, मतलब मेन बात यह घुमा फिरा के किस तरीके से भी इनोवेशन है उसको प्रमोट करना है, ताकि हमारे देश में जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चल रहे हैं, बाकी और भी काफी सारे गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, उनको गति मिल सके, लोगों को रोजगार है वो मिल सके, तो एक के साथ काफी फायदे हैं वो हो जाएंगे। तो बेसिक जो न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की और जो फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया। बस एक चीज़ आपको यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वो यही ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति भवन और उसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज्ड है वो किया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया हुआ है इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क 2018 के बारे में, तो इसे भी हम देख लेते हैं भाई क्या है। देखो, इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क 2018 है उसको जो 17वां इसका समिट है, 17वां जो एनुअल कॉन्फ्रेंस हुआ है वो इस बार इंडिया उसको होस्ट है वो कर रहा है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क 2018 का 17वां एडिशन हो रहा है वो एनुअल कॉन्फ्रेंस का, वो इंडिया होस्ट है वो कर रहा है। अब है क्या इसका काम क्या है भाई इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क का काम, देखो ये है कि कंपटीशन है उसको प्रमोट करना है। मतलब सीधी सी बात है कि लोगों के जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी उनके पास नए आइडियाज़ हैं, जो भी उनकी स्ट्रेंथ हैं, जो भी उनकी ताकत हैं, उनको एक तरीके से यूज़ करते हुए हमारे देश में कंपटीशन को प्रमोट करना, इवन पूरे वर्ल्ड में ही कंपटीशन को प्रमोट करना। देखो बात ऐसी है, अगर कंपटीशन पूरे वर्ल्ड में बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, नई रिसर्च वगैरह होंगी। जैसे एक आप एग्जाम्पल समझो, जैसे कि कोई एक कंपनी है वो नई रिसर्च या नई कोई चीज़ लेके आई, जैसे आप देखते हो कि एप्पल का कोई फ़ोन है तो कोई नई टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, तो उसके साथ बाकी और जो मोबाइल की कंपनियां हैं वो भी नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करती है, तो एक तरीके से क्या हुआ, कंपटीशन का माहौल बनता है, तभी तो नई नई चीज़ें हैं वो इनोवेट होती हैं ना, नए नए
रिसर्च होती है, नए नए आविष्कार वगैरह होते हैं, वो तभी होते हैं। तो वही बात है कि जब नई रिसर्च होगी, नए आइडियाज बनेंगे, नए नए कंपटीशन आएगा, तभी बहुत कुछ आगे होने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही इसका आयोजन है वो किया जाता है। और यह ध्यान रखना कि इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है, वह एक इंटरनेशनल बॉडी है, 132 देश के मेंबर है, तो इंडिया भी ओबियसली इसका मेंबर है, वो ध्यान रखना है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका यह आता है कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क है, ये कोई रूल नहीं बनाता है, कोई रूल वगैरह लॉ वगैरह बनने से कोई काम नहीं है। इसका मेन काम बस यही है कि भाई जो डिफरेंट स्टेक होल्डर आ रहे हैं इसमें, या जो भी कंपनीज वगैरह आ रही हैं, या फिर जो भी और भी कंपनी के जो भी गवर्नमेंट के कोई ऐसे लाइन्स वगैरह हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एक तरीके से आइडिया के विचार विमर्श करना, उनके आइडियाज़ को एक्सचेंज करना, उनकी स्ट्रेंथ है उनको आगे प्रमोट करना, ये इसका बेसिक काम है। और इसके जो भी रूल वगैरह है, जो भी कंडीशन होगी, वो ऐसा नहीं कि लीगली बाइंडिंग नहीं होती कि भाई इसने जो कुछ कह दिया वो सभी कंट्रीज़ को मानना होगा, तो ये चीज़ भी यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो ये कुछ बेसिक न्यूज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है। बस ये इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए इसका आयोजन वो किया जाता है। और इंडिया में कौन इसे होस्ट करेगा? इंडिया में से ओब्वियसली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इसे होस्ट करने वाला है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि इंडिया में कंपटीशन रिलेटेड एक ही बॉडी है जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब चलते हैं आगे। अगली जो न्यूज़ है वो एक छोटी सी न्यूज़ है, वो आपको बस ध्यान रखनी है, मे बी यूपीएससी पूछ सकती है कि केरला गवर्नमेंट ने हमारा स्टेट फ्रूट है वो घोषित किया है। किसको किया है? वो क्या है? जैक फ्रूट को। देखो, जैक फ्रूट को मेनली किस गया कटहल के नाम से भी जाना जाता है, तो उससे ऑफिशियल फ्रूट है वो घोषित किया गया है केरला गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यूपीएससी पूछ सकती है कि रिसेंटली कौन से स्टेट ने जैक फ्रूट को ऑफिशियली स्टेट फ्रूट है वो घोषित किया है। तो ध्यान रखना, अभी केरला गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएटिव वो लिया है। केरला का जो ऑफिशियल एनिमल है वो है एलिफेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट एक आर्टिकल है, वो है जीआई टेक के बारे में। तो कंटेक्स्ट तो कुछ इतना खास है नहीं, कंटेक्स्ट तो जो रसगुल्ला डिश थी जो कि मेनली वेस्ट बंगाल को उसके लिए जीआई टेक मिला, उसके रिलेटेड ही है। तो वो हमारे लिए इतना कुछ है नहीं, वो तो एक बार हमने डिस्कस कर लिया है पहले। बट एक बार फिर हम यहाँ पे एक चीज रिवाइज कर लेते हैं, बार बार जो काफी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई जीआई टेक है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है वो आता है। तो देखो, आपको एक चीज ये ध्यान रखना कि जीआई टेक का जो भी काम है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो भी ऐसा काम होता है वो आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, डीआईपीपी। अब डीआईपी कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है? डीआईपीपी आता है, वो आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये चीज आपको यहाँ पे गांठ बांध लेनी अच्छे से कि भाई जीआई टेक वो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, उसके अंतर्गत जीआई टेक वगैरह का काम है सारा वो होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ आई है वो आई है इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में। तो ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, इसके बारे में देखते हैं। देखो, इंडियन साइंस कांग्रेस है वो काफ़ी पहले आयोजित की जानी थी तेलंगाना में, बट कुछ सिक्योरिटी जिनकी वजह से उसे वहाँ से कैंसिल है वो कर दिया गया था, तो इसलिए यह भी सुर्खियों में भी है। तो इसे हम वापस डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में आज आर्टिकल है वो आया है। इंडिया जो साइंस कांग्रेस है इसका 105वां जो एडिशन है वो मणिपुर में आयोजित किया गया है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, मणिपुर में ही जो इंडियन साइंस कांग्रेस है वो आयोजित की गई है, अदरवाइज इसका जो आयोजन है वो होना था तेलंगाना में। तो ये चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी, 105वां एडिशन है, तो एक चीज़ ध्यान रखनी आपको कि भाई किसके द्वारा आयोजित होता है। ऑब्वियसली तो यह ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा। तो देखो, 105वां एडिशन है, तो आपको एक चीज़ तो दिख रही होगी कि भाई आज़ादी से पहले ये एसोसिएशन बना है और उसके द्वारा इसे आयोजित किया जा रहा है। तो यूपीएससी से इनडायरेक्टली पूछ लेती है कि क्या इसे आज़ादी से पहले बनाया गया था? तो देखो, ऐसा तो कहीं मेंशन इसमें नहीं कर रखा कि भाई आज़ादी से पहले बनाया गया था नहीं बनाया गया, बट बेसिक एक चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि 105वां एडिशन हो रहा है, इसका मतलब आज़ादी से पहले बनाया तभी 105वां एडिशन आयोजित किया गया है। अब देखो है क्या, इस बार की थीम देख लेते हैं। थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है आजकल। थीम यह है कि रीचिंग द एनरिच्ड थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रीचिंग द एनरिच्ड थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये इसकी थीम है, वो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके साथ ही हम इंडियन साइंस कांग्रेस के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, इंडियन साइंस कांग्रेस का जो मेनली एडिशन किया गया है इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा, यह एक प्रीमियर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 1914 में बनाया गया था अंग्रेजों के टाइम पे, मतलब अंग्रेज लोगों ने बनाया था कोलकाता में। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसके रिसेंटली हैं वो 30,000 से ज़्यादा साइंटिस्ट हैं, वो इसके भी तक मेंबर हैं। तो ये चीज़ भी हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्योंकि ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो हो जाती है यहाँ पे। अब देखो, वही चीज़ मिलता है कि 1914 में इसे बनाया गया था। अब एक चीज़ आप ये भी ध्यान रख सकते हो, खैर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, कि इसे बनाया किसने था। अंग्रेजों के दो केमिस्ट थे, एक का नाम था प्रोफेसर जेएल सिमोनसन और दूसरे थे प्रोफेसर पीएक मैकमोहन। मैकमोहन लाइन, चलो कौन कौन सी बाउंड्री को बताती है आपको ये बताइए कमेंट बॉक्स में। मैकमोहन लाइन के बारे में जो पीएस मैकमोहन थे, इन दोनों केमिस्ट ने इसका निर्माण है वो किया गया था। क्यों निर्माण किया था? देखो, उस टाइम पे बात ऐसी है कि उस टाइम पे हमारे देश में साइंटिफिक रिसर्च है उसको प्रमोट करने के लिए, उसे आगे ले जाने के लिए, क्योंकि देखो उस टाइम पे अंग्रेजों का राज था, तो हमारे देश में क्या कि रिसर्च वगैरह इतनी प्रमोट नहीं हो पाती थी। तो इसीलिए ये एसोसिएशन है वो बनाया गया था, ताकि साइंस को भाई थोड़ा बहुत आगे लेके ले जा सके। ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। और एक छोटी सी न्यूज़ इसके साथ वो आ जाती है कि इसी के साथ वुमेन साइंस कांग्रेस है उसका 7वां एडिशन भी आयोजित किया गया है, वो इम्फाल में, मतलब मणिपुर इम्फाल के अंदर। तो ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है,
काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो वुमेन साइंस कांग्रेस है वो 2012 से स्टार्ट की गई है, तो ऑब्वियसली इसका 7वां एडिशन है वो होस्ट किया गया है। कहाँ पे? वो हमने देखा कि मणिपुर में इम्फाल है, वहाँ पे इसका आयोजन है, वो किया गया। तो ये भी हमें चीज़ साथ साथ ध्यान रखनी है कि भाई वुमेन साइंस कांग्रेस है उसका तो 7वां एडिशन कम्प्लीट हुआ है, और जो इंडियन साइंस कांग्रेस है उसका एक्चुअली देखा जाए तो 105वां एडिशन है वो कम्प्लीट हुआ है। काम क्या है? काम ये है कि भाई साइंस को आगे प्रमोट करना है, ताकि साइंस के जो भी प्रोजेक्ट वगैरह हैं उनको आगे गति दी जा सके, साइंस रिसर्च वगैरह को आगे स्पीड बूस्टर नाइट्रो देने के लिए इसका काम है, वो किया गया। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? आज हमने सबसे पहले नबाकबल फेस्टिवल के बारे में डिस्कस किया, जो कि जगन्नाथ से, भगवान जगन्नाथ से रिलेटेड है। इसमें होता क्या है? इसमें नीम के पेड़ की जो लकड़ी होती है उससे भगवान की मूर्ति बनाई जाती है, और उन मूर्तियों को एक जगह लाया जाता है और उस मौके पर इनका आयोजन है वो किया जाता है। इसके साथ ही हमने डिस्कस किया कि फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, जो कि राष्ट्रपति भवन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के द्वारा आयोजित है, वो किया गया है। काम क्या है? काम यह कि भाई हमारे देश में इनोवेशन को कैसे भी घुमा फिरा के है आगे लाना है। इसके बाद में हमने डिस्कस किया इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क, जो कि CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा होस्ट किया गया है इंडिया में, और यह मेनली एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसके 132 देश मेंबर हैं। काम क्या है कि कंपटीशन को प्रमोट करना है, ये रूल वगैरह के लिए थोड़ी बहुत एडवाइस वगैरह देना का इसका काम है, वह कोई रूल वगैरह नहीं बनाती है, मेनली आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में दो छोटी छोटी न्यूज थी, वो थी केरला स्टेट फ्रूट के बारे में, जो कि जैकफ्रूट को घोषित किया गया है। इसके साथ ही हमने GITEC के बारे में डिस्कस किया, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन जो आता है कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर, उसके द्वारा इसको GITEC है उसकी घोषणा है वो की जाती है। इसके साथ ही हमने देखा कि इंडियन साइंस कांग्रेस है उसका 105वां एडिशन है वो मणिपुर में आयोजित किया गया है, अदरवाइज इसका आयोजन है वो होना था तेलंगाना में, बट सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पोस्टपोन्ड है वो किया गया था। इसके साथ ये ध्यान रखना है कि जो इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन है उसके द्वारा इसे होस्ट किया जाता है, और इंडियन साइंस कांग्रेस है वो मेनली 1914 में बनाया गया था कोलकाता में अंग्रेजों के द्वारा। और इसके साथ ही एक चीज़ वो है कि वुमेन साइंस कांग्रेस का 7वां एडिशन भी मणिपुर इम्फाल में आयोजित है वो किया गया था। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।